हेलो फूडीज, वेलकम टू सिमरन्स फाइन डाइन। कैसे हैं आप लोग? होली का नाम सुनते ही हमें याद आ जाती है गुलाल, गुजिया और ठंडाई। तो आज मैं आप लोगों के साथ ठंडाई सिरप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप 4 मंथ स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपका मन करे इसे इंस्टेंट बनाए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले एक बोल ले, इसी में ऐड करूंगी ये आमंड्स, पिस्ता, ये मेलन सीड्स, सौंफ, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, ग्रीन कार्डमम यानी इलायची। फ्रेंड्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप नीचे देख सकते हैं। इन सभी को मैं लुकवॉर्म वाटर से सोक कर लूंगी। अब इतना ही पानी डालें जिससे ये पूरे ही अच्छे से सोक हो जाए, इसे एक बार मिक्स कर दे और एक बोल में ले ली हूँ ये सैफरन के स्ट्रैंड्स, तो इसी में मैं वाटर डाल के इसे भी सोक करने रख दूंगी, तो इसे अलग से सोक करें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पॉपी सीड्स है तो उसे भी इसमें डालें, उससे ठंडाई का टेस्ट और इन्हेंस होगा। यहाँ मेरे लोकेशन में पॉपी सीड्स नहीं मिलती है तो मैं उसे स्किप कर रही हूँ। तो जितना मैंने आमंड्स एंड पिस्ता लिया उतना ही मैं पॉपी सीड्स डालूंगी। पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी मेजरमेंट दे दूंगी। तो इसे मैं 3 to 4 hours ऐसे ही सोक करने रख दूंगी। इसे रेस्ट दिए हुए मुझे 5 hours हो गए, तो चलिए मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे ड्राई फ्रूट्स मेरे कितने अच्छे से सोख हुए, ये सारे फूल गए हैं। तो मैं इसका फाइन पेस्ट बना लूंगी, तो इसी में मैं अपना सोख किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। तो इसका मैं एक फाइन पेस्ट रेडी कर लूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको जरूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसका पेस्ट बना ले। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने फाइन पेस्ट में ब्लेंड कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल फाइन है। तो इसी स्टेज में मैं ऐड कर दूंगी ये गुलकंद, ये 2 बड़े चम्मच मैं ले रही हूँ। गुलकंद ऐड करने से हमारी ठंडाई को एक ठंडक मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये गुलकंद नहीं है तो आप उसकी जगह ये ड्राई रोज पेटल भी डाल सकते हैं, ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है। या फिर जो गुलाब के फूल होते हैं उसके पेटल्स को लेके उसे ड्राई करके इसमें ऐड करें। अब इसे मैं फिर से ब्लेंड कर लूंगी जिससे ये गुलकंद भी अच्छे से हमारी ये ठंडाई वाले मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसे मैंने आपका फिर से ब्लेंड कर लिया है, इसमें मैंने 1/4 कप पानी भी ऐड करा था जिससे हमारी पेस्ट बिल्कुल स्मूथ ग्राइंड हुई है। तो चलिए अब इसकी सिरप रेडी करते। सबसे पहले एक पैन हीट करें, इसी में ऐड कर दूंगी शुगर और इसी में ऐड कर दूंगी वाटर। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो इसे मीडियम फ्लेम पे ऐसे बीच बीच में स्टर करते रहे और इसे हमें 2 चाशनी आने तक कुक करना है। तो गैस का फ्लेम मैं मीडियम ही रखूंगी जिससे ये जल्दी कुक हो जाएगी। इसी में अब मैं अपना ये सोक किया बस सैफरन वाटर डाल दूंगी। फ्रेंड्स, सैफरन डालने से इसकी कलर भी अच्छी आएगी और एक फ्लेवर मिलेगा हमारी ठंडाई में, तो इसे स्किप नहीं करें। फ्रेंड्स, ये पैन मुझे छोटी लगी है तो इसे मैं दूसरे पैन में ट्रांसफर करती हूँ। फ्रेंड्स, चाशनी को मैंने दूसरे पैन में ट्रांसफर कर लिया है, तो बस इसे 2 तार की होने तक कुक कर लूंगी। तो चलिए मैं अपनी चाशनी चेक कर लेती हूँ। तो बोल में कुछ ड्रॉप अपनी चाशनी के डालें और इसे ठंडा होने रख दे। ठंडी हो गई है, स्ट्रॉन्ग चाशनी बन रही है ना, ये देखिए 2 तार की चाशनी फॉर्म हो रही है। इसी स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगी ये सिट्रिक एसिड, नींबू का सर्प और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सिट्रिक एसिड ऐड करने से हमारी ये शुगर सिरप क्रिस्टलाइज नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो इसे मैं 2 तार की चाशनी करने में मुझे 20 से 25 मिनट लग गए। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो आपकी और जल्दी बनेगी। तो इसी में मैं अपना ये ठंडाई पेस्ट डाल दूंगी। इसी में मैं ये वाटर भी मिक्स कर दूंगी जिससे इसमें जितने भी पेस्ट लगे वो निकल जाएंगे।
फ्रेंड्स, ठंडाई मिक्सचर ऐड करने से हमारी जो ये चाशनी है ये पहले लिक्विडी हो जाएगी, तो इसे मैं 8 से 10 मिनट कुक कर लूँगी। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इसे 8 से 10 मिनट बीच बीच में स्टर करते हुए कुक कर ले। तो इसे ऐसे साइड से स्क्रैप करते हुए कुक कर ले। मेरी पूरी किचन ठंडाई से महक गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस ठंडाई की। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, पूरी होली आपकी बहुत अच्छी जाएगी। अगर आपको ठंडाई से और भी रेसिपी जाननी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इससे रिलेटेड और भी रेसिपी लाऊंगी। लाइक आप ये ठंडाई से केक बना सकते हैं, ठंडाई से आइसक्रीम बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, स्पून में हमारी कोटिंग नहीं आ रही है ना, मैं सभी ये कुक नहीं हुई है, तो इसे मैं और कुक कर लूँगी। गैस का फ्लेम मैं लो कर देती हूँ, फिर थोड़ी देर में मैं हाई करूँगी। हाई टू लो करते करते मैं इसे कुक कर लूँगी। ठंडाई सिर्फ मेरी कुक हो गई है, तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने रख दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी थिकनेस ये जैसे जैसे ठंडी होगी ये थोड़ी और थिक होगी, तो बस इसे ऐसे मिक्स करते हुए ठंडा कर लें, या फिर आप इसे फैन के नीचे भी रख सकते हैं जिससे ये जल्दी से ठंडी हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ठंडाई सिर्फ मेरी ठंडी हो गई है, ये पहले से काफी ज्यादा थिक हो गई है, तो अब मैं इसे ग्लास बॉटल में ट्रांसफर कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ग्लास बॉटल है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसी में अब अपना ये ठंडाई सिरप डालूंगी। तो इसे मैंने पहले 2 मिनट के लिए स्टरलाइज कर लिया था, मीन्स गैस पे मैंने पानी बॉईल करने रख दिया था, 2 मिनट के लिए उसमें मैंने इसे बॉईल कर लिया था, और इसे अच्छे से सूखने के बाद मैंने इसे पोंछ लिया है। तो एक फनल ले ले और इसी में अब अपना ये सिरप डाल दूंगी। इसे मैंने फिल कर लिया है, इसका मैं लीड बंद कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ठंडाई सिरप मेरी रेडी है। अब आप इसे 3 से 4 महीने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, और इससे आपका जब जो बनाने का मन हो आप वो बनाएं और एंजॉय करें। तो चलिए अब इसे ठंडाई बनाते हैं। तो ठंडाई बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडिंग जार ले, इसी में मैं ऐड करूंगी 1 ग्लास कोल्ड मिल्क, और इसी में मैं ऐड कर दूंगी ये ठंडाई सिरप। तो 1 टेबल स्पून मैं ये ठंडाई सिरप ऐड कर रही हूँ। आपको अगर ठंडाई की स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप इसे और ऐड करें, और इसे मैं अच्छी तरह एक बार ब्लेंड कर लूंगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये ठंडी ठंडी कूल कूल एनर्जी से भरपूर होली स्पेशल ठंडाई, मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस होली सारे इस ठंडाई को एंजॉय करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और होली से रिलेटेड आपको कौन सी रेसिपी देखनी है मुझे कमेंट करें। तो मिलती हूँ अगली बार एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।